हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जोमेटो की। जोमेटो की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए और रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए थे, तो जहाँ पर सारे शेयर धराशायी हुए पड़े थे, ये 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे हम जोमेटो से रिलेटेड। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। और वीडियो काफी टाइम से नहीं आ पा रही ड्यू टू सम रीजन, बट हाँ इस संडे से रेगुलर वे में यहाँ पर वीडियो आपको आती हुई दिखाई देगी। अभी 2-3 दिन और शायद प्रॉब्लम रहे, बट उसके बाद हम कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो आपको अगर सीखना है स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है, तो सबसे पहले तो वीडियो जाके देखिए, बहुत सारी आपकी हेल्प होती हुई नजर आएगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। इसके अलावा आप सीरियस है स्टॉक मार्केट में और चाहते हो कि अच्छा पैसा बनाया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ही करेगा ताकि वीडियो मिले। इसके अलावा आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर 8860540501 8169261037 पे आप कांटेक्ट करेंगे, तो आपको बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, शेयर को कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कब बेच देना चाहिए, वो सब चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। 25,000 रुपये का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग है, स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिए जाते हैं। एक बार कोर्स कंप्लीट किया, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आगे बढ़ते हुए ही आप दिखाई दोगे। बस वो फॉलो करिएगा जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आपको कोर्स करना है तो इंक्वायरी कर लीजिए, और साथ में काम भी करना है तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके साथ में आप काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जोमेटो से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो जोमेटो की अगर हम बात करें, तो जोमेटो हमने एक नीचे के भाव पे, अच्छे खासे भाव पे इसे हमने देते हुए नजर आए थे। इस पर्टिकुलर शेयर को अगर आप यहाँ पर 4 महीने पहले भी देखोगे, 300 रुपए के हमने यहाँ पर टारगेट दिए थे। इससे पहले आप देखोगे 90 रुपीज का शेयर है ना, टारगेट 300, 90 रुपीज, और जो हमारे साथ काम करते हैं उन्हें हम यहाँ पर 70 रुपए से देते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है आप यहाँ पर देखते हुए नजर आ सकते हो। तो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और रिजल्ट से रिलेटेड, बट कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी करती क्या है, आप सभी को पता है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर जो हम करते हैं वो जोमेटो के थ्रू करते हैं। अभी तक कंपनी आप देखोगे तो घाटा करती हुई नजर आ रही थी, अब फायदा करती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने यहाँ पर यूज करने का 5 रुपए प्लेटफॉर्म फीस भी देता है, और अगर 1 करोड़ भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर 500 करोड़ का प्रॉफिट तो वैसे ही हो जाता है ना। तो उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है, बट थोड़ा सा और डीपली और अच्छे तरीके से चीजों को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर फूड सोल्ड है ना, फूड सर्विस प्लेटफॉर्म इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फूड सोल्ड, इट ऑफर्स इंक्लूडिंग फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट सर्विस, लॉयल्टी प्रोग्राम एंड अदर्स। एंड यहाँ पर देखिए, 31 दिसंबर 2020 को जोमेटो हैज एस्टैब्लिश अ रॉन्ग फुटप्रिंट अक्रॉस 23 कंट्रीज। तो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये कंपनी काम करता हुआ नजर आ रही है ना, विद 131,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट है ना। तो इतने सारे रेस्टोरेंट इनके साथ कनेक्टेड है, 161,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके, एंड एन एवरेज मंथली फूड ऑर्डर लगभग 10.7 मिलियन कस्टमर्स को, यहाँ पर हम बात करें कस्टमर को मंथली बेसिस पे यहाँ पर क्या फूड प्रोवाइड करते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। तो कंपनी अच्छी खासी है, कंपनी में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। इसका एक कॉम्पिटिटर भी है स्विगी, बस जोमेटो और स्विगी दोनों अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। पीई की बात करें, 343 का पीई है, इंडस्ट्री का पीई 50 का है। तो आप देखेंगे तो पीई बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आता है, बट पीई अगर कंपनी परफॉर्म कर रही होती है ना, उस टाइम पीई का कोई मतलब नहीं बनता। जिस दिन कंपनी ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, तो याद रखिएगा पीई भी उसका गिरता हुआ नजर आएगा। क्यों गिरता हुआ नजर आएगा? क्यों? क्योंकि शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। तो शेयर के बढ़ने और घटने पर भी पीई का इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आरओसी आरओई कुछ खास है नहीं है ना, और पीई के बेसिस पे हमें ना तो चीजें लेनी है ना बेचनी है, बट पीई को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज को याद रखिएगा। डेट फ्री शेयर होता हुआ नजर आया है, ठीक है। हम बात करें
तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का 73.9% था, सेल्स ग्रोथ देखिए 72% है ना। और यहाँ पर हम चीजें को और देखेंगे, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है ना, एक का फेस वैल्यू भी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले ये शेयर आया था आईपीओ, सबको मोस्टली लोगों को लगा था। उसके बाद शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आई और फिर जब शेयर चलना शुरू हुआ, जब स्टेज टू शुरू हुई तो पैसा बनता गया। स्टेज टू क्या होती है, क्या होती है 1, 2, 3, 4 स्टेज में, वो हम अपने कोर्स में पढ़ाते हैं और उसी बेसिस पे हमने शेयर को पकड़ा भी था 70 रुपीज पर, और शेयर में एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। कंपनी धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बार की सेल्स हाईएस्ट एवर 12 क्वार्टर में है, 4,206 करोड़ रुपए की सेल्स है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो यहाँ पर जो घाटा कर रही थी धीरे धीरे प्रॉफिट किया और प्रॉफिट करते करते हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे पहुंच गए अभी पिछले 12 क्वार्टर में। यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट भी जो कंपनी धीरे धीरे घाटा कर रही थी वो प्रॉफिट करते करते यहाँ पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर पहुंच गई है, 253 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। ईपीएस की बात करें, इनका ईपीएस धीरे धीरे नेगेटिव से प्रॉफिट की तरफ बढ़ता हुआ नजर, पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी क्या है, अच्छा खासा रिजल्ट पेश कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे अच्छी खासी ग्रोथ पर इनकी सेल्स में दिखाई दे रही है, इसके अलावा प्रॉफिट में दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। मार्जिन में भी सुधार आ रहा है, जो घाटे में था मार्जिन वो 4% का यहाँ पर मार्जिन दिखा रहा है। और यहाँ पर ईयरली बेस पे यहाँ पर बात करें तो ईयरली बेस पे यहाँ पर हम देखोगे 1300 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स तक पहुंच गए, 13,000 करोड़ की सेल्स तक 466 करोड़ से। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर जंप देखा गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, घाटे से शेयर यहाँ पर 602 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट में पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पर रिजर्व्स देखें तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और 19,554 करोड़ के रिजर्व्स है। उसके अगेंस्ट में बोराइंग की बात करें तो ना के बराबर है। और चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगभग 11,645 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें तो 700 करोड़ के कैश है ना, ट्रेड रिसीवेबल अच्छे खासे है। तो ओवरऑल हम बात करें तो सब चीज़ अच्छा नजर आता है। कैश फ्लोज की बात करें जो लगातार घाटे में थे वो अभी यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर FIs की यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई है, 10% से 54% है ना, 54.11% की होल्डिंग है। थोड़ी सी यहाँ पर आप देखोगे क्वार्टरली बेस पे बेचा गया है। DIS की बात करें, DIS की होल्डिंग यहाँ पर लगातार बढ़ी है 15.79। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 28% के आसपास आ गई है, मतलब FIs बेच रहे हैं और यहाँ पर पब्लिक ले रही है। और उसमें InfoEdge की बात करें तो 13.53% के शेयर InfoEdge के पास है ना। दीपेंद्र गोयल जो इनके यहाँ पर को फाउंडर है, उनके पास 4.19% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है Zomato की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हो और देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइंग सेलिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। 16 जुलाई 2024 को है ना, मतलब 15 दिन पहले यहाँ पर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर एंट्री ली है 227 रुपये के भाव पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस है, BNP है, इसके अलावा सिटी ग्रुप ने, गोल्डमैन सैक्स ने, यहाँ पर हम बात करें मैथ्यू एशिया पैसिफिक फंड्स और इंस्टीट्यूशनल फंड्स ने यहाँ पर बाइंग करी है, सोसाइटी जनरल ने बाई किया है ना, मैथ्यू पैसिफिक, मॉर्गन स्टैनली, यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बाइंग किया है। इसके अगेंस्ट में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 2,84,00,000 शेयर 227 रुपये के भाव पे बेचे भी है। तो किसी ने बेचे है, किसी ने खरीदे है, इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी यहाँ पर क्या होती हुई नजर आई है, बाइंग सेलिंग चलती हुई नजर आ रही है। उसी वजह से आप देखोगे कि चार्ट में थोड़ा सा इस टाइम पे शेयर थोड़ा सा 227 रुपये के भाव पर जब बेचा गया था तो चीजें थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा जंप है। तो चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, फाइनेंशियल हमें समझ में आए कि अच्छे खासे फाइनेंशियल्स के चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखने पर ध्यान देना है, सीखने के लिए वीडियोज और साथ में कोर्स है, इन नंबरों को नोट करके कोर्स कर लीजिए और साथ में काम करना तो भी इस नंबर पे घंटी बजाइए है ना, कॉल करिए, मैसेज व्हाट्सएप करिए, आपको यहाँ पर जवाब दिया जाएगा और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, Zomato की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट को
ये शेयर जैसे ही स्टेज टू में एंट्री करी, अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं जब से ये शेयर को बताया है। लगभग लगभग यहाँ पर आप देखिए 200% के टारगेट ही मान लीजिए कि 200% तक ये शेयर भागता हुआ नजर आया है। ठीक है, आज का अगर मैं हाई को भी यहाँ पर टच कर दूँ तो आपको समझ में आएगा कि 199.75 लगभग 200% के रिटर्न इसने अभी तक देते हुए नजर आया, और वो भी किसने टाइम पीरियड के अंदर अंदर 24 जुलाई से लेकर अभी तक, तो लगभग एक साल में यहाँ पर 200% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर चार्ट्स की। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है और स्टेज टू में शेयर है, सब कुछ अच्छा खासा नजर आ रहा है। मेरे जो टारगेट थे लगभग 300 रुपये के टारगेट थे जो मैंने आपको बताए थे, उसकी तरफ ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है इस क्वार्टर में ये 300 रुपये को टच कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आगे के टारगेट क्या बनेंगे। बट मुझे जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर शेयर के साथ क्या होता हुआ नजर आ रहा है। और बीच में यहाँ पर कुछ त्योहार भी थे और अगेन बहुत सारे त्योहार अभी बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग अति जोमेटो को ज्यादा यूज किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये शेयर अगर 500 रुपये भी टच कर जाता है आने वाले टाइम में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है ना, 500 रुपये भी अगर टच करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट अभी टारगेट हमारे 295-300 के आसपास है, उसके बाद ये शेयर धीरे धीरे 350, 400 और 450 और 500 की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है। सीखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स है, काम करना है तो नंबर है, कॉन्टेक्ट करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।